यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले वाले एपिसोड पे हमने एक सर्वर स्टार्ट किया था सोलो में, बट अभी जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तब देखता हूँ भाई मेरा बेस किसी ने आके रेड कर दिया। और भाई यहाँ पे मैप पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, मेरा स्लीपिंग बैग भी नहीं दिख रहा था, साथ ही साथ कैबिनेट भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लकीली मैं स्पॉन हो चुका हूँ अपने बेस के पास में ही, मतलब जहाँ पे अपना बेस पहले था उसके पास में ही। तो क्यों ना एक बार चल के देख ही लेते भाई अपना बेस अभी भी वहाँ पे है या नहीं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेस गायब कैसे हो गया, क्योंकि ये तो रैंक सर्वर है, रैंक पे तो भाई फुल रेड होता नहीं है, तो पता नहीं कैसे बेस गिर गया। इस साइड में देखो काफी बड़े बड़े बेस बना हुआ है, एक जगह पे भाई तीन चार बेस बना हुआ है। सो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे अपना पहले बेस था, बट यहाँ पे तो अपना बेस नजर पे नहीं आ रहा, लेकिन कोई दूसरे बंदे का बेस नजर पे आ रहा है जो कि 2x2 का है। और पहले अपना बेस इसी जगह पे था भाई, ठीक इसी जगह पे था, और इसी जगह में कोई दूसरे बंदे ने बेस बना लिया। मुझे पहले लगा था भाई ये अपना ही बेस है, बट उसके बाद मैंने देखा भाई नहीं ये अपना बेस नहीं है, अपना बेस का यहाँ पे कोई नामो निशान तक नहीं है भाई, पूरा बेस गिर गया। मेरे ख्याल से मेरे कैबिनेट पे मेंटेनेंस के लिए ज्यादा सामान नहीं था, जिसके कारण रेड होने के बाद ज्यादा देर तक टिका नहीं मेरा बेस, उसके बाद भाई मेंटेनेंस के कारण गिर गया होगा। अभी ना मैं खुद को सेल्फी करके रैंडम स्पॉन हो जाता हूँ, देखते भाई कहाँ पे स्पॉन होते हैं। जहाँ पे स्पॉन होंगे अगर अच्छी जगह मिलेगा तो वहीं पे हम अपना बेस बना लेंगे। ओ भाई ये डेजर्ट एरिया पे मुझे स्पॉन कर दिया, और मुझे डेजर्ट एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे बेस बनाने का तो दूर की बात है भाई, यहाँ पे मैं आता तक नहीं हूँ। मैं दोबारा से मिलिट्री बेस की साइड पे बेस नहीं बनाऊंगा अभी भाई, वहाँ पे काफी सारे बेस ऑलरेडी बना हुआ है बड़े बड़े, तो इसलिए हम अभी बनाएंगे कोई दूसरी साइड पे बेस, देखते दोबारा से सेल्फी करेंगे। ओके तो अभी मैं दोबारा रैंडम स्पॉन होकर आ जाता हूँ फैक्ट्री की साइड पे। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना सबसे पहले हम फैक्ट्री को लूटते, उसके बाद भाई हम अपने पहले वाली जो एरिया है अपनी बॉर्डवेज की साइड पे उधर ही जाके हम अपना बेस को बना लेंगे भाई, वो जगह ही अच्छी है और उसे फार्म वगैरह भी मिल जाती है, साथ ही साथ मिलिट्री भी पास में ही पड़ती है, ग्लाइडर बना लेंगे तो ज्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगी मिलिट्री जाने पे, और साथ ही साथ बॉर्डवेज का लूट भी हमें मिलता रहेगा। ऑलराइट तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ फैक्ट्री पे, देखते हैं फैक्ट्री से हमें कुछ लूट वगैरह मिलता है कि नहीं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें लूट वगैरह मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं कोई सर्वर स्टार्ट करता हूँ ना तो पहले एक दो दिन मुझे कोई भी लूट वगैरह नहीं मिलता, मतलब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ रूम हमेशा लूटेड ही मुझे देखने को मिलता है। क्योंकि यार जब पहले हम सर्वर स्टार्ट करते हैं वो नया सर्वर होता है, नए सर्वर में बंदे वगैरह कुछ ज़्यादा होता है, तो उसमें कुछ बंदे वगैरह ज़्यादा होने के कारण रूम वगैरह लूटेड ही होता है ज़्यादातर, और जब धीरे धीरे बंदे कम हो जाते हैं तब भाई रूम वगैरह आपको मिलने शुरू हो जाती है, तो ऐसा होता है मेरे साथ हर एक बार। तो मैंने यहाँ पे चेक के लिए सप्लाई चेस्ट होना चाहिए था वहाँ पे, बट नहीं था। कोई नहीं अभी मैं इसकी छत पे भी चेक कर लेता हूँ, इसकी छत पे भाई एक सप्लाई चेस्ट या कभी कभी टूल बॉक्स भी होता है कोई भी चीज़ मिल जाए, बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखते हैं इस घर के अंदर कुछ हमें मिलता है कि नहीं, कार्ड वगैरह भी चेक कर लेंगे, कार्ड वगैरह मिलेगा तो बढ़िया होगा। और यहाँ पे मुझे मिल चुका है सप्लाई चेस्ट, यहाँ से मुझे मिला है भाई आर्मर मिला है और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिला है, चलो बढ़िया है बोन का आर्मर मिल चुका है। यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट होना चाहिए बट अभी नहीं है, ऊपर चल के देखते हैं भाई कार्ड है कि नहीं। तो यार यहाँ पे कार्ड भी नहीं है और इधर एक टूल बॉक्स भी होता है ये भी नहीं है भाई, मेरे ख्याल से ये पूरा ही फैक्ट्री लूटेड है। तो अभी मैं इधर आके थोड़ा बहुत फार्मिंग करने लग जाता हूँ भाई, हमें फार्म भी चाहिए होगा अपने बेस को बनाने के लिए, अपने पास अभी कुछ भी नहीं है, मैंने वुड वगैरह भी। ओ भाई ये कहाँ से आ गया भाई, ये बॉट पता नहीं किधर से आ गया, चलो हम बॉट को मारते हैं, बॉट से अगर SMG मिल गया ना फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। बट यार कभी भी मुझे ना बॉट से पहली बार ही SMG नहीं मिला है, मतलब कि जब मेरे पास SMG की रेसिपी वगैरह आ जाती है उसके बाद जाके मुझे बॉट को मारने से SMG मिलती है, तब तो भाई SMG का अपना कोई काम नहीं रहता। फिलहाल यहाँ पे मुझे बॉट से कुछ सामान वगैरह मिल जाती है जो कि नॉर्मली मिलता रहता है। एक काम करते हैं यहाँ से ना मैं रोड फार्म करते हुए जाता हूँ जहाँ पे मुझे अपना बेस को बनाना है, उसके बाद जहाँ पे हम अपने बेस को बनाएंगे उसके आसपास की ट्रीज वगैरह काट करके उन्हीं वुड से हम अपने बेस को बना लेंगे। तो अभी मैं इधर रोड फार्म कर लेता हूँ, यहाँ से भाई मुझे रेसिपी वगैरह भी मिल जाएगा लार्ज स्टोरेज वेपन स्टोरेज का। तो मेरे पास तो अभी किचन नाइफ है नहीं, मेरे पास था शायद पहले वाले बेस में था, बट अभी तो बेस रेड हो गया है, अभी भला कहाँ से लाऊंगा मैं। और यहाँ पे एक सप्लाई चेस्ट था, यहाँ से मुझे एक सिरिंज मिल जाती है, बट सिरिंज का अभी कोई काम नहीं है, चलो हम यूज़ कर लेंगे भाई। सिरिंज का तो मैं रेसिपी नहीं निकालता हूँ, उसे मुझे जब भी सिरिंज वगैरह मिलती है मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। ऑलराइट तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने बेस बनाने की एरिया पे, तो ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी लग रही है अपने बेस को बनाने के लिए। सबसे पहले ना ये स्टोन को मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना बेस को इसी जगह पे बनाना है, तो आसपास की थोड़ा बहुत ट्रीज भी कट कर लिया हुई मैंने, तो इससे तो मेरा बेस नहीं बनने वाला भाई, मुझे और भी वुड वगैरह चाहिए होगा, चलो इसको भी हम कट कर लेते हैं।
फिर भाई देखते हैं अपने बेस। वैसे तो हम अपना बस अभी स्टार्टिंग बेस ही बनाएंगे, मेन बेस हम बाद में बना लेंगे जब अपने पास सामान वगैरह आ जाएगा। तो अभी हम अपने बेस को जल्दी से बना लेते हैं भाई, स्टार्टिंग बेस बनाएंगे 2x2 का ही, और बाहर प्रोडक्शन के लिए कुछ वॉल वगैरह लगा देंगे। तो यहीं पे मैं बेजल लगा देता हूँ, 2 बेजल, इधर 2 लगाया, इस तरफ भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ओके ये बन गया, और इधर मैं चारों साइड पे ऐसे ट्रायंगल बेजल लगा देता हूँ जैसे कि अपने पहले वाले बेस में था। तो इसी टाइप से ये वाला बेस भी हम बनाने वाले। सबसे पहले चारों साइड ट्रायंगल लगाते हैं, उसके बाद कोने पे एक ट्रायंगल लगाना पड़ेगा और एक स्क्वायर, इस कोने पे भी एक ट्रायंगल एक स्क्वायर, तो चारों साइड पे भी ऐसे कर देता हूँ मैं। ओके बेजल तो मैंने लगा दिया, अभी लगाते हैं भाई वॉल। तो वॉल सबसे पहले आपने 2x2 का मेन एरिया पे वॉल लगाते हैं, उसके बाद भाई बाकी हम प्रोडक्शन लगा देंगे। यहाँ पे मैं डोर लगाने वाला हूँ, तो इस तरफ पे डबल डोर लगा दिया हूँ मैंने, इधर चारों साइड मुझे अभी बस वॉल लगा के इसको पैक कर देना। बेस तो अपना बन गया है, बट ऊपर से भाई बारिश वगैरह गिर जाएगा तो हमें छत भी बनाना पड़ेगा। छत भी हमने यहाँ पे बना दिया, अभी एक कैबिनेट क्राफ्ट कर लेता हूँ भाई, पता चले कोई दूसरा बंदा आके बाहर ही मुझे कैबिनेट लगा के यहीं पे मुझे पैक कर दे। मेरे साथ ऐसे पहले भी एक बार हुआ था, कैबिनेट मैंने क्राफ्ट कर लिया है, तो इसको बस मुझे सिंपली इस कोने पे प्लेस कर देना। तो इस बार ना यार मैं कैबिनेट के लिए सेपरेटली एक रूम बना दूंगा इस कोने पे अपने। ओ भाई ये क्या आ गया यार, पता नहीं ये क्या आ गया था बट मैंने उसको कट कर दिया है। तो अभी मुझे कैबिनेट पे थोड़ी सी मेंटेनेंस भी डाल देना पड़ेगा वरना अपना बेस डैमेज हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी मेंटेनेंस अभी डाल दिया, बाद में मैं ज़्यादा मेंटेनेंस डाल दूंगा। मैंने एक फर्नेस भी अभी क्राफ्ट कर लिया है, तो फर्नेस को मैं ना इस कोने पे लगाने वाला हूँ, बट वो क्राफ्ट होने में थोड़ी सी टाइम लेगा। मैंने जो ये बेस के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए ट्रायंगल बेजल वगैरह लगा था, तो मैं अभी इस सबको भाई तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको कुछ अलग टाइप से बनाना है। हमने तो पिछले वाले बेस भी ऐसे ही बनाए थे, तो इस बार ना कुछ अलग टाइप का ही बेस बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे फर्नेस वगैरह तो प्लेस कर दिए, मेरे पास बस एक ही फर्नेस बनाने की फ्यूल वगैरह था, ज़्यादा फ्यूल नहीं था। ये देखो मेरे पास बस और 2 फ्यूल ही बस बचाई, यानी कि 32 फ्यूल था मेरे पास, जो कि मैंने 30 फ्यूल से एक फर्नेस बना दिया। अभी एक फर्नेस से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा, बाद में हम बाकी फर्नेस भी बना लेंगे काफ़ी सारे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ रेसिपी वगैरह था जो कि मुझे ड्रम को कट करके मिला था, उनको मैंने अभी यूज़ कर लिया हूँ। और उनसे मुझे एक फ्रिज का रेसिपी मिल चुका है, फ्रिज हम बाद में बना लेंगे। फ्रिज बनाने में भाई आयरन वगैरह भी चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने अभी भी अपने डोर पे लॉक तक नहीं लगाया, आयरन ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने आयरन मेल्ट होने के लिए लगा दिया अपने फर्नेस पे। फिलहाल मैंने सारे के सारे प्रोटेक्शन वाली ट्रायंगल बेजल तोड़ के अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्क्वायर वाली बेजल। तो मैं सिंपली अपने बेस के चारों तरफ स्क्वायर वाली बेजल लगाने वाला हूँ, उसके बाद इसके ऊपर मैं रूफी डाल के अपने कुछ पीवीपी एरिया टाइप का कुछ बना देते। वैसे ये मेन बेस तो नहीं है भाई, ये सिर्फ अपना स्टार्टिंग बेस है, बट फिर भी इस टाइप का मैं बेस अभी बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के बेस देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और बेस भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और जो बेस छोटा दिखते हैं ना, वो बेस भाई कोई भी आके रेड कर देता है, और बेस अगर थोड़ा बड़ा दिखेगा तो बंदा इजीली आके रेड नहीं करेगा, वो सोचेगा थोड़ी सी, तो इसलिए इस टाइप का बेस अभी मैं बना रहा हूँ। ओके तो बेस की चारों तरफ मैंने रूफी डाल दिया, अभी बस मुझे यहाँ पे डोर लगाना है। ये जो अंदर का सेक्शन होगा ये अपना एक रास्ता होगा आने जाने का, और इधर से हम कोई भी बंदा अगर आएगा तो इससे फाइट वगैरह लेंगे। इधर मैंने लगा दिया अपने बाहर जाने का रास्ता, अपने बेस से बाहर आने का, तो इसको मुझे पैक करना पड़ेगा ट्रायंगल वॉल लगा के। इधर मैंने ट्रायंगल वॉल लगा दिया, तो इस कोने पे भी एक ट्रायंगल वॉल लगाना पड़ेगा। इधर सीढ़ी भी मैंने लगा दिया ताकि हम इजीली अंदर जा पाए अपने बेस की। तो इधर और कुछ लगेगा क्या, ये भाई कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, ये कोना थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कुछ चीज़ें लगेगा। अंदर की तरफ बिल्कुल बेस के चारों तरफ इस टाइप से मुझे डोर वगैरह लगाना पड़ेगा, वरना कोई भी बंदा भाई इजीली अंदर आ जाएगा। और इन सारे डोर पे मुझे लॉक भी लगाना पड़ेगा, तो भाई मुझे काफ़ी सारा आयरन वगैरह भी चाहिए होगा। और राइट गाइस, तो अभी फाइनली अपना बेस कंप्लीट हो चुका है। मैंने ज़्यादा बड़ा तो बेस नहीं बनाया, अपने 2x2 का ही बेस है भाई। ये ऊपर से देखने में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, बट नीचे से देखो अपना बेस को मैंने कुछ इस टाइप से बनाया। उधर उसके ऊपर मैंने हाफ वॉल लगा के प्रोटेक्शन वगैरह लगा दिया छत के लिए अभी। तो अभी देखो अपने डोर पे लॉक वगैरह तो नहीं है, बस बाहर की एक डोर पे ही लॉक है जो अपना मेन डोर है। अंदर की सारे के सारे डोर में अभी भी लॉक नहीं है, तो मुझे लॉक भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कुछ डोर वगैरह भी लगा देता हूँ, वरना भाई कोई भी बंदा इजीली आ जाएगा भाई। ये डोर होना चाहिए, मतलब डोर से कोई भी बंदा रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पूरे बेस को बिल्कुल डोर से भर देंगे, मतलब कुछ हो या ना हो भाई डोर होना चाहिए। तो भाई चारों तरफ तो मैंने यहाँ पे डोर लगा दिए, बट इसमें लॉक भाई काफ़ी सारे लग जाएगा यार। और अपने पास आयरन ही नहीं है, अभी आयरन वगैरह भी फार्म करना पड़ेगा, पूरे बेस को अपग्रेड करना पड़ेगा भाई, काफी सारे काम अभी बाकी है। और इस सर्वर का भी रेड टाइम स्टार्ट हो चुका, अपना बेस अपग्रेड भी नहीं है, तो अपना बेस तो अभी यार इजीली रेड हो जाएगा, कोई भी बंदा आके वुडन क्लब से ही रेड कर देगा। इसके लिए अभी मैं अपने कैबिनेट को ही तोड़ रहा हूँ रेड से बचाने के लिए। अगर मैं अपने कैबिनेट को तोड़ दूंगा फिर कोई भी बंदा आके रेड नहीं कर पाएगा, चाहे भाई कोई कितनी भी कोशिश कर ले अपना बेस रेड नहीं होगा। मेरे पास बस एक ही हैमर है जो कि मुझे रोड फार्म करके मिल गया था लकीली। अगर मेरे पास हैमर नहीं होता तो अभी मैं अपने बेस को भी नहीं बचा पाता।
तो कोई नहीं यार, अभी तो हैमर है, मैं इसको जल्दी से तोड़ देता हूँ, उसके बाद इसका 20% लूट गिरेगा और मैं दोबारा उठा के कहीं चेस्ट वगैरह लगा के रख दूंगा। ओके, तो लगभग ये टूट चुका है और भाई अभी टूट जा। ओके, अभी देखो अपने कैबिनेट टूट चुका है यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सारे लूट वगैरह गिर गया। चलो मैंने सारे के सारे लूट तो उठा लिए, मुझे अभी कुछ वुडन स्टोरेज वगैरह बना के इधर प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर हम सारे के सारे लूट रख देंगे। मैंने एक स्टोरेज तो लगा दिया बट एक स्टोरेज से काम नहीं बनने वाला, वुडन स्टोरेज का स्पेस भाई काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो मुझे 3-4 स्टोरेज चाहिए ही होगा। देखो मेरे पास बैग में अभी भी काफ़ी सारे सामान वगैरह है, सारे के सारे सामान को अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो सारे सामान जल्दी से रख देते हैं, उसके बाद फार्मिंग पे निकलेंगे, जल्दी जल्दी फार्म करके अपने बेस को अपग्रेड कर देंगे। अभी ये देखो भाई, मैंने अपने स्लीपिंग बैग के ऊपर मारा हैमर से बट एक का भी डैमेज नहीं आया है क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट को तोड़ के रख दिया है। तो अगर आप आपके कैबिनेट को इस टाइप से तोड़ देते हो तो भाई कोई भी बंदा चाहे कितने भी कोशिश कर ले आपके बेस को जरा सा भी डैमेज नहीं दे पाएगा वो, बट ऐसा सिर्फ रैंक सर्वर में ही होता है और वो भी 22 आवर्स के पहले टाइम पे। सो चलो गाइस यार, आज के वीडियो पे इतना ही था, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। You're mine.